हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट सबसे डेंजर बाजार इस दुनिया का, एमसीएक्स और फॉरेक्स सबसे खतरनाक बाजार है। इस बाजार के बारे में हम बात करेंगे एकदम सरल भाषा में, यानी कि सबसे डेंजर चीज को एकदम आसान भाषा में आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। बात करूंगा मैं क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, गोल्ड की, सिल्वर की और कॉपर की। कल क्या किया था, पहले उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर आगे की आज की बात करते हैं कि आज कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या क्या कल एग्जीक्यूशन हुआ था और आज के लिए कहां पर ऐसे पॉइंट बन रहे हैं जहां से कमोडिटीज के रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, और बात करेंगे ट्रेंड की। तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी कमोडिटी का कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से इसकी रिवर्सल की गुंजाइश बनती है। बात करूंगा क्रूड कल क्रूड ऑयल को आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दी थी, इनफैक्ट वो अभी तक होल्ड है वो क्रूड ऑयल। कल का क्रूड ऑयल एनजी बाय करवाई थी 137.50 के आसपास, वो भी होल्ड है अभी। 138.30 चल रही है, 140.50 तक का हाई पोस्ट करके आई, बने हुए हैं पोजीशन में, डटे हुए हैं पोजीशन में, बिना डरे, बिना रुके, बिना सहमे। चलिए, गोल्ड में आप लोगों को कल भाव नहीं मिला था, 52,900 के आसपास सेल करने कहा था, सिल्वर में कह दिया था स्टे अवे, और कॉपर तो आज से बैन हो चुका है करंट वायदा, तो कॉपर में इस हफ्ते तो भूल ही जाइए कि कोई पोजीशन करनी चाहिए। कॉपर में काम करने वाले छुट्टी मनाइए। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ कि कमोडिटीज में आज के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 3107, क्रूड ऑयल का लो पोस्ट हुआ है 3068 का, कल का लो 3066 का था, कल आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था 3065 का। तो कैन वी से इट अगेन, ये होते हैं लेवल्स के कमाल। आज का भी लो 3068 है, हाई है 3110 का, अभी चल रहा है 3107, कर क्या सकते हैं, सपोर्ट क्या है। 3092 का एक सपोर्ट है, 3081 का दूसरा सपोर्ट है, 3065 का तीसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 3133, 3153, 3195। वैसे मैंने जो अपने पब्लिक टेलीग्राम और प्राइवेट टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप में जो अपडेट किया है वो आप लोगों को भी अपडेट कर देता हूँ। 3100 पे क्रूड बाय करवाया हुआ है 3065 के स्टॉप लॉस से, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3232, अभी चल रहा है 3107। अगर आप लोग चाहें तो 3100 के आसपास और करंट मार्केट प्राइस में भी बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस सेम लगाइएगा। 3100 का भाव लग जाता है तो मैं इसको अभी तक व्हाट्सएप वाली परफॉर्मेंस शीट में एंट्री डाला हुआ हूँ। अगर ये बाजार वापस से 3100 का लो रेट लगाता है तो मैं उसको वहाँ से हटा के अपने YouTube की परफॉर्मेंस शीट में ले आऊँगा। तो देखते हैं, आप लोगों का एग्जीक्यूशन अगर 7 रुपये से हो गया तो एंट्री घुमा लूँगा, नहीं तो एंट्री वहीं पड़ी रहेगी। क्रूड ऑयल की रणनीति क्लियर है। नेचुरल गैस अभी चल रही है 138.30, वो तो आप लोगों के पास भी बाय है और सबके पास बाय पड़ी हुई है। नेचुरल गैस के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 137.40, 136.30, 135.90। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 140.70, 142.70 और 148। जो कल की बाय है उसको 140.60 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और जो मैंने आप लोगों को कल स्टॉप लॉस बताया था उसी स्टॉप लॉस को अभी मेंटेन करके चलिए। दूसरी, ये प्रॉफिट बुक होने के बाद अगर आप लोगों को वापस से 137.50, 138 के आसपास मिले तो 134.50 के स्टॉप लॉस से बाय करिएगा 142 के टारगेट के लिए। ये होगी हमारी नेचुरल गैस की रणनीति। अब बात करता हूँ गोल्ड की। गोल्ड अभी चल रहा है 52,732, गोल्ड का लो पोस्ट हुआ है 52,415 का, हाई पोस्ट हुआ है 52,846 का, अभी चल रहा है 52,736। गोल्ड के सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 52,625, 52,275 और 51,240। रजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 53,150, 53,290 और 53,400, कर क्या सकते हैं। गोल्ड को 700 और 750 की रेंज में, यानी अभी 732 चल रहा है, इसको इसी रेंज में करंट मार्केट प्राइस में बाय करिए 52,700 तक। 599 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 52,599 टारगेट 53,100 तक के। दूसरी रणनीति 53,150, 53,300 के बीच में सेल करिए, 53,501 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 52,400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। ये होगी हमारी गोल्ड की रणनीति। अब मैं बात करता हूँ सिल्वर की। सिल्वर अभी चल रही है 65,580, इसका हाई पोस्ट हुआ है 65,749, लो पोस्ट हुआ है 64,660।
सिल्वर का आज ट्रेंड मेरा सुबह 60 रुपए से रह गया, ऐसे तो बवाल कर देती है। 600 के आसपास बाय करने वाला था, 660 का लो लगा के 800 रुपए ऊपर आ गई वहां से। खैर एंट्री कहीं पर भी नहीं ली उसकी। इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 64,900, 64,420 और 63,150। रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 66,140, 66,860 और 69,500 के। कर क्या सकते हैं, 64,900, 65,000 के आसपास मिले तो बाय करिए, 64,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 66,000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी हुई सिल्वर की रणनीति। अब मैं बात करता हूँ कॉपर की, कॉपर में कोई रणनीति नहीं है। चलिए अब मैं ये आप लोगों को मैं कौन कौन सी एंट्री लूंगा। क्रूड अभी चलिए आपका भाव आ गया 3103, क्रूड की एंट्री ले चुका हूँ मैं, नेचुरल गैस की ऑलरेडी एंट्री चल रही है, गोल्ड की एंट्री करंट मार्केट प्राइस में भी 732 चल रहा है, 732 में ऑलरेडी ले लूंगा अभी ये वीडियो वाइंड अप करने के बाद। नेचुरल गैस सिल्वर अगर अपने भाव पे आती है एग्जीक्यूट होती है तो उसकी भी एंट्री मैं लूंगा। अब मैं बात करता हूँ कमोडिटीज के क्या क्या ट्रेंड है। क्रूड ऑयल जब तक 3065 के ऊपर चल रहा है तब तक ये अप ट्रेंड में है, 3065 और 3012 का भी एक लेवल है, तो 3065 का एक अहम लेवल होगा। और आज इन्वेंट्री डेटा शेड्यूल है, कल माफ़ कीजिएगा, कल मैंने धोखे से आप लोगों को बोल दिया था, कल आज यानी कल के लिए बोल दिया था इन्वेंट्री डेटा कल नहीं आज है। 3015 का एक 12 का एक दूसरा लेवल होगा, 3065 का एक बीच का एक लेवल है। अभी तो ये अपसाइड की टेरिटरी में ट्रेड करा रहा है, मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 3012 को नहीं काटता तब तक मंदी की कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। किसी दिन भी ब्रेकआउट आएगा, अगर आप लोग टेक्निकल चार्ट देखते हैं या जानते हैं तो क्रूड ऑयल का डेली चार्ट देखिएगा, अजीब तरीके से हो चुका है, उसके नीचे के लेवल्स एकदम खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार अगर बड़ी कोई तेजी डेवलप होनी है तो एक बार हो सकता है कि पब्लिक को मारने के लिए नीचे आ जाए, और वरना यहीं से चल पड़े। तो बाजार के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, बाजार के लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे जैसे कोई भी अपडेट निकलते आएंगी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, बने रहिए मेरे साथ। नेचुरल गैस जब तक 135 को नहीं काटती है, अब मुझे लग रहा है कल भी आप लोगों को बोला था नेचुरल गैस अब होता है, अब लग रहा है कि मंदी समाप्त हो गई है टेम्पररी। 135 के नीचे जब तक ट्रेंड नहीं कराती है तब तक ये अप ट्रेंड में है, ये अभी ट्रेंड चेंजिंग वाली जोन पे चल रहा है। जिस दिन भी इसने 143, 145 को काट दिया तो हो सकता है ये 130 वाले लेवल्स देखने को ना मिले जल्दी से। गोल्ड जब तक 49,800 के ऊपर ट्रेड करा रहा है, अभी तो बहुत दूर है, 2,500 रुपये ऊपर है, वहाँ से 2,000 रुपये के ऊपर आसपास ऊपर है। जब तक 49,700-800 के ऊपर ट्रेड करा रहा है तब तक डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग भी बहुत लंबे समय से मेरे वीडियोस देख देख के 48,000 में लॉन्ग करके रखे हैं, अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके 49,800 का कर लें और चद्दर उड़ के सो जाएं, भूल जाएं। हो सकता है 53,000 तक के रेट आप लोगों को आजकल में देखने को मिल जाएं। सिल्वर का ट्रेंड रिवर्सल होगा 57,000 के रेट पे, 57,000 पे जब तक नहीं काटती है वो भी बहुत दूर है, करीब 6,000 रुपये इधर हो गया और 3,000 रुपये उधर, 9,000 रुपये जब तक नहीं जोड़ती तब तक इसमें भी कोई ट्रेंड रिवर्सल की गुंजाइश नहीं बनती है। सिल्वर का ट्रेंड अप है, कॉपर में हम लोग कोई ट्रेड स्ट्रैटेजी नहीं ले रहे हैं, ये हफ्ता जाने दीजिए, अगले हफ्ते से वापस से कॉपर की रणनीतियाँ आप लोगों के समक्ष सरल भाषा में लाने लगूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, और जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो कहते हैं इस मार्केट से पैसा नहीं बन सकता, उनको हम मजबूर करेंगे कैपिटल एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट सीखने के लिए। एक बार नहीं सीखेगा, दो बार नहीं सीखेगा, 10 बार नहीं सीखेगा, 100 बार जब एक ही एक चीज़ को सुनेगा तो जरूर सीख जाएगा वो। वैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती हैं, आप चाहें तो हमसे सब जगह जुड़ सकते हैं, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि अगर मैं मार्केट से रिलेटेड वीडियो में कुछ बोला हूँ तो उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं वहाँ पर जरूर अपडेट करता हूँ। आपको करना सिर्फ यूँ है जैसे व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं, वैसे ही प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम लिखिए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करिए और हमें ढूंढिए इंटेलिसिस @INTELISYS इंटेलिसिस को ढूंढिए, आप लोगों को बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग का लिंक होता है, सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारी बताई हुई रणनीतियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।